फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है दीपसच इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ट्रैफिक रूल्स में रेड लाइट्स कैसे बनाती हैं। तो आप प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से हम आज बनाने वाले हैं, रेड और रेडी, येलो एंड गो ग्रीन। ठीक है, तो हम इसके लिए न्यू पेज लेंगे, कंट्रोल एन। आप सिंपल वे में एक पोलिस स्टैंड बना लीजिए, आप थोड़ा अट्रेक्टिव बना सकते हैं। मैं ऐसे ग्रे कलर ले रही हूँ, आउटलाइनिंग ब्लैंक ले रही हूँ और यहाँ से मैंने रेक्टेंगल चूज किया। ठीक है, आप यहाँ से एक स्टैंड बना लीजिए और मैंने कुछ इस टाइप से बनाया। ठीक है, फिर आप एक इस बॉक्स से बाहर आप एक सर्कल बना लीजिए। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट करके इसमें ब्लैक कलर फिल कर। ठीक है, आप इसे यहाँ पे हम मूव करेंगे सेंटर में। इसकी तीन कॉपी करनी है, ऑल्ट प्रेस करें या कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। और फ्रेंड ध्यान रहे, ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, इतना आपको डिस्टेंस रखना है दोनों के बीच में। अगर ज्वाइंट हो जाता है तो ऑब्जेक्ट वहां से आपका कट जाता है, बैकग्राउंड डिलीट हो जाता है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करना है, 10 फ्रेम पे जाना है और फंक्शन F6 करना है। ठीक है, उसके बाद आप बाहर क्लिक कीजिए और फर्स्ट जो पॉइंट है इस पे सिलेक्ट कीजिए। फर्स्ट जो भी कलर होता है, जैसे रेड कलर होता है, मैंने रेड दिया। और उसके सामने आप जो टेक्स्ट इसके लिए देना चाहते हैं, रेड किसके लिए होता है, हमारा स्टॉप के लिए। ठीक है, इसको फिर अरेंज कर ले कि हमारा टेक्स्ट कहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम 20 फ्रेम पे जाएंगे। 20 फ्रेम पे गए, फंक्शन F6 यूज करेंगे, फिर आउटसाइड पे क्लिक कीजिए और फिर इसी पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहां से फिर इसे ब्लैक कर दीजिए और ये टेक्स्ट को आप डिलीट कर दीजिए। सेकेंड पॉइंट पे क्लिक कीजिए, सेकेंड का क्या कलर होता है फ्रेंड्स, येलो। तो हम यहाँ से येलो देंगे और टेक्स्ट आप यहाँ से टाइप कर दीजिए। येलो किसके लिए होता है, रेड के लिए। कलर चेंज करना चाहते हैं टेक्स्ट का तो आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसको भी अरेंज कर लीजिए कि किसके सामने कैसे दिखना चाहिए। और राइटिंग स्टाइल वगैरह चेंज करना है तो प्रॉपर्टी बार से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या टेक्स्ट टूल में भी आपका यहाँ पे फॉन्ट है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, फिर हम 30 पॉइंट लेते हैं, फंक्शन F6 फिर प्रेस करेंगे, आउटसाइड पे क्लिक कीजिए। अब जो सेकेंड पॉइंट था इसको भी हम फिर से ब्लैक कर देंगे। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट लेंगे, थर्ड पॉइंट का कलर क्या होता है, ग्रीन। और फिर हम ये रेडी को डिलीट कर देंगे और थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे गो। ठीक है, इसको भी अरेंज कर लीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक और फ्रेम बना लीजिए। अगर आप नहीं बनाते फ्रेम तो देखिए कैसा दिखेगा, कंट्रोल एंटर प्रेस करती हूँ तो देखिए रेड ग्रीन और लास्ट वाला कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गया। तो उसके लिए हम थोड़ा सा एक और डिस्टेंस बना लेते हैं, 40-45 जितना टाइम देना चाहते हैं, फंक्शन F6। ठीक है, अब आप क्लिक कीजिए कंट्रोल के साथ एंटर प्रीव्यू मोड के लिए, तब देख पा रहे होंगे प्रॉपर हमारा रेड लाइट तैयार हो गया है। तो ये बहुत इजी है आपका फ्रेम यूज करना और एक ऑब्जेक्ट में आप किस टाइप से एनिमेशन बना सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट होता, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और फ्रेंड्स अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में, ऐसे मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपको बहुत सपोर्ट मिले है और आगे उम्मीद करते हैं आपको और मिलेगा। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।